गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉडुलस को एक्सपेंड करना सीख रहे थे कि मॉडुलस को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, कब मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, कब मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं। अगर मॉडुलस पॉजिटिव है तो कब हम उसमें से सीधे वही के वही क्वांटिटी बाहर निकाल देते हैं, अगर मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एक माइनस साइन एक्स्ट्रा रॉबिनहुड की कहानी याद रखते हैं कि मॉडुलस है रॉबिनहुड, कभी किसी को निगेटिव नहीं छोड़ता है, अगर अंदर निगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव देके पॉजिटिव बना देता है, और आपका अंदर में पॉजिटिव है तो उसको छोड़ देता है कि आप जाओ आप तो खुद ही खुश हो। तो इस तरह से हम एक्सपेंड करना सीख रहे थे। आज फिर से थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, एक आध सवाल उसके बाद से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। टॉपिक का नाम स्टील अभी है मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी। ये फंक्शन देख के डरना मत कि सर फंक्शन आ गया और आप फंक्शन पढ़ा नहीं रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन नहीं आ गया, चूंकि मॉडुलस है तो हम उसके नाम रख दे रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन। तो आपको ऐसे मान लो मैंने सवाल दिया कि एक्सपेंड का मतलब आप मॉडुलस को ओपन कर दो, हटा दो, एक्सपेंड मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अगर ये दिया या माइनस सिक्स दिया तो आपने हम कहे कि इसको एक्सपेंड करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि भाई इनसाइड आपका पॉजिटिव कब है और इनसाइड वाला निगेटिव कब है। ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कब है, हिंदी तो पढ़नी आती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं, मतलब अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते इतने इतने ज्यादा अंग्रेजी के हैबिचुअल हो गए कि हिंदी ही पढ़ना भूल गए, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसको पढ़ना आता होगा सबको। तो ये इनसाइड फंक्शन अगर निगेटिव कब है ये हमको बस चेक करना है, जहां पे इनसाइड फंक्शन निगेटिव होगा एक माइनस देके निकालेंगे, जहां पे पॉजिटिव होगा एक प्लस देके निकालेंगे। बात सही है। जैसे देखो अब अगर इसको चेक करना हो तो मैंने तरीका बताया था क्या करने के लिए, कि पहले अंदर वाले को आप लिख लीजिए और फैक्टराइज कर दीजिए, अंदर वाले को लिख लीजिए और फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे आपने अंदर वाले को लिखा तो अंदर वाले का फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। आई होप सबको ये फैक्टर आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करो, नंबर लाइन सिस्टम बना दो, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू, जो पिछले जो वेबी का मेथड यूज कर रहे थे बिल्कुल वही कर रहे हैं आज भी, यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये देखो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहां से हमको पता है कि तीन से आगे और दो से पीछे, तीन से आगे और दो से पीछे क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, और दो से तीन के बीच में क्या हो गया, निगेटिव। तो हम कहेंगे कैसे, ये कैसे ओपन हो जाएगा, अब मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दो तरीके से, कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स खुलेगा जब एक्स की वैल्यू तीन से आगे हो, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू तीन हो। देखो वही लिखने का तरीका है, एक्स तीन से बड़ा सब कुछ या यूनियन एक्स की वैल्यू दो से छोटी हो, एक ही चीज है लिखने का तरीका। इसी को लिखा जा सकता है कि इस वाले पार्ट को अगर मैं दूसरी तरह से लिखूं कि एक्स लेस देन दो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, तो इसी को लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आपका तीन से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटा, और इसको लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और दो से छोटा। और तीसरा वाला पार्ट जो आप देख रहे होगे कि यहाँ दो से तीन में यही चीज आपका निगेटिव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि आपका ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स ब्रैकेट में, क्योंकि ये दो से तीन में निगेटिव आ गया था। देखो हमने क्या कहा था आपको कि हम कभी भी कोशिश ये करते हैं कि हम ग्रेटर देन वाले पे इक्वल टू साइन लगाते हैं, आपके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आप लेस देन वाले पे भी इक्वल टू साइन लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका दो से तीन के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आई। तो अभी तो हम सिर्फ एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, मान लो ऐसे किसी भी सवाल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो दूसरे सवाल ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि सॉल्व करते हैं, सॉल्व मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। थॉट पहले सुन लेना, ऐसे सवाल है तो पहले थॉट सुन लेना। थॉट दो तरह से हो सकता है, दो तरह से इस चीज को लोग सोचते हैं, या तो एक बार एक्स की वैल्यू बड़ी या छोटी लिख के सोचते हैं, या दूसरा जो तरीका होता है, देखो एक तरीका जो होता है कि पहले ही हम कहते हैं मेथड वन
एक मेथड वन जो कहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मेथड वन हम कहेंगे कि जब भाई इसको पहले मॉड को खोल लेते हैं कि मॉड x माइनस टू की वैल्यू हो जाएगी दो हो जाएगी, कि जब ये x माइनस टू हो जाएगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, और x माइनस टू हो जाएगा जब ये x लेस देन टू। आएगा समझ में? मतलब इसमें क्या बना, एक केस वन बना कि अगर x की वैल्यू दो से बड़ी का मतलब आपका टू टू इन्फिनिटी, यही हुआ इस केस में होगा, तो ये वाला इधर वाला मॉडुलस खुल जाएगा x माइनस टू, उधर वाला भी x माइनस टू। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां से बिल्कुल सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये कट गया बराबर ही हो गया, तो ये यहां पे ट्रू हो गया, हमेशा ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेथड टू, अच्छा केस टू पे लेके आते हैं। केस टू पे मैंने कहा कि अगर आपका ये वाला एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से टू के बीच में, देखो ये वाला सेकेंड वाला केस, तो उस केस में पहले वाला ये खुल जाएगा, x माइनस टू खुलेगा, माइनस के साथ इक्वल टू x माइनस टू खुलेगा, इसको उधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा टू, आप x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू हो गई टू, आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से टू आ गई, जबकि हम कह रहे हैं कि x माइनस इनफाइनाइट से टू तक है, यानी टू शामिल नहीं लेना है, तो ये वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे, अपने आप में आप क्लास इलेवेंथ के लिए तो कंफ्यूजिंग है। जब हम क्लास इलेवेंथ के लिए जो बात कर रहे हैं ये कंफ्यूजिंग है कि भाई ये क्या, हम सर एक बार वैल्यू निकाल के फिर हम चेक कर रहे हैं कि इस केस में लाई कर रहा है कि नहीं। देखो x की वैल्यू हम इसके लिए लेके चल रहे हैं और x की वैल्यू यहाँ पे लाई ही नहीं करी, तो इस वाले पार्ट को हम नहीं करेंगे इस मेथड से। हम कैसे करेंगे इन चीजों को कि हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे। देखो मैं इसको बताता हूँ कि इसको कैसे मेथड जो सेकेंड है उसको अप्लाई करेंगे। मेथड सेकेंड क्या है? मेथड सेकेंड है आपका, और यही हम यूज करेंगे ऐसे सवालों के लिए जब भी इस तरह के सवाल आएंगे। हम कहेंगे कि भाई मॉडुलस के बारे में एक हमको जानकारी है। क्या जानकारी है? कि ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। वो भी कौन वाला पॉजिटिव? जीरो वाला या विदाउट जीरो? तो जीरो रहेगा इसमें, विथ जीरो, यानी जीरो इसकी वैल्यू हो सकती है। तो हम कहेंगे कि इधर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इधर को भी क्या होना पड़ेगा, क्या राइट साइड को भी क्या होना पड़ेगा? तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस टू भी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यहां से आपका ये आ गया एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। देखो यही आंसर आ गया क्या जो पिछला आया था, एक्स बिलोंग टू 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 इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? एक्स बिलोंग टू 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 इनफाइनाइट। लेकिन एक और मेरा आपसे कहना है, ये तभी आप इस सेकेंड मेथड को यूज करें जब आपका ये चीज, ये आपका दोनों तरफ इक्वल हो। अगर आपके किसी के मन में सवाल आएगा कि सर जी इधर मान लो कि यही हो, इधर के हम x माइनस टू के बजाय कुछ और हो, x माइनस थ्री हो जाए, x माइनस फोर हो जाए, तब कैसे करेंगे? उस केस में भी हम कहेंगे कि ये x की वैल्यू हमेशा इधर वाली पॉजिटिव रहेगी, फिलहाल में तो कर लेंगे, लेकिन गलतियों से बचने के लिए हम मेथड वन का एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं और जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी ने कहा सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे? फटाफट उठा के कहोगे कि इधर वाला हमेशा कैसा रहेगा, हम मेथड टू अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव, ये विथ जीरो लिखने का मतलब डरना है कि मतलब विथ जीरो का क्या मतलब है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लगेगा। तो इधर वाला पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन हुआ तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और यहां से एक्स इक्वल टू एक जीरो आया और यहां से एक्स इक्वल टू वन आया, इसको नंबर लाइन सिस्टम पे क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया, प्लस माइनस प्लस ये नेगेटिव पॉजिटिव, अपने ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो चाहिए था तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन वन से इनफाइनाइट। बोलो कितना आसान है, देख रहे हो कितना ही आसान है, ये कितना ही आसान बनाया है कि ये मॉडुलस को पहले ओपन करो और इनके इसके इक्वेशन को सॉल्व करो। जो ये हम कर रहे हैं ये मॉडुलस की आप कहे तो इक्वेशंस को अभी सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू एक्स की निकाल रहे हैं, पर एक्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बजाय यहाँ पे एक्स का एक इंटरवल आ रहा है, यहाँ पे एक्स का इंटरवल आ रहा है। अब जरा देखो एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें जो कि एक्चुअल में इक्वेशंस कहलाती है,
ये तो ऐसे इक्वेशंस की तरह दिख रही है, पर ये तो इक्वेशंस है, इक्वेशंस नहीं इन इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस मतलब जो इक्वेशन ना हो, क्योंकि इक्वेशन में एक इक्वेशन का सबसे खासियत ये होता है, आपसे कभी पूछ कोई पूछ सकता है कि बताओ आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है, तो इसका एक खासियत होती है कि आइडेंटिटी इज द इक्वेशन वेयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इक्वेशन इज द इक्वेशन वेयर ओनली लिमिटेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट। लिमिटेड मतलब फाइनाइट नंबर, जैसे कि 2, 4, 5, 10, आप जिनकी काउंटिंग कर सको, वो उस इक्वेशन से जो भी वैल्यू आया गया, उस पॉलिनोमियल से जो वैल्यू आया गया, उस फंक्शन से जो वैल्यू आएगा, उसको हम बोलेंगे इक्वेशन है। और जिससे आप जिससे मतलब कोई भी वैल्यू एक्स डालो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है, कोई भी वैल्यू डालो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो सोल्यूशन हो रहा है, तो वो आपका आइडेंटिटी कहलाता है। और जो जहां पे एक्स की एक्जैक्ट वैल्यू ना आके इंटरवल आती है, उसको इन इक्वेशंस बोलते हैं। जो इक्वेशन ना हो उसको इन इक्वेशंस बोलते हैं, जहां पे एक्स की इंटरवल वाली वैल्यू आती है। तो इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी ने कह दिया 2 mod x plus 1 square minus mod x plus 1 minus 3 is equal to 0 या is equal to 3, फाइंड एक्स किसी ने कह दिया, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इसको एक ना पहले तो इसको देखने का आदत डालो कि इसमें ना एक नजर दौड़ाओ इसके ऊपर कि ये क्या लिखा गया है। आप इस पे एक नजर और दौड़ाओ, मैंने बोला एक नजर दौड़ाने के लिए, आपने चलाया, एक नजर और दौड़ाओ, एक बार और देखो इसको। 2 something square minus something minus 3 ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला नंबर है, थोड़ी देर अगर इसको मैं टी मान लो कि मॉड एक्स प्लस वन को थोड़ी देर के लिए मैं टी मान लो, अगर मान लो तो ये ऐसा दिखने लगेगा कि 2t square minus t minus 3 equal to 0। और ये दिखते ही इसका फैक्टर हम लोग जान गए हैं कि इसका फैक्टर अपन कर सकते हैं 2t square minus 3t plus 2t minus 3 is equal to 0। क्या दिया ये 2, यहां से t कॉमन हो गया, सॉरी 2t minus 3, ये प्लस 1 कॉमन हो गया, 2t minus 3 equal to 0। क्या आया बच्चों मेरे, ये आ गया प्यारे बच्चों 2t minus 3 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से दो बातें निकल के आती है, आप भी जान गए कि या तो t की वैल्यू, अरे बच्चों t की वैल्यू 3/2 होगा, या फिर t की वैल्यू -1 होगा। लेकिन t की वैल्यू थोड़ी अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए था, t की वैल्यू नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था अपने को, x की वैल्यू चाहिए था। तो t के उठा के पुट कर दो, mod x plus 1 equal to 3/2 या mod x plus 1 equal to minus 1। अरे रे रे रे, इधर minus 1 देखते ही इधर आप कहोगे भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको देखते कहोगे ओहो ये तो निगेटिव है, कभी संभव है क्या एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर के बराबर कभी हो सकता है क्या? आप कहोगे ये तो मुंडी पटक के रह जाएगा, लेकिन कभी संभव नहीं होगा, मतलब यहां से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन यहाँ का क्या हाल है, क्या खबर है यहाँ का, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, मॉडुलस खुलेगा, मैंने पिछले दिनों बताया था मॉडुलस खुलेगा तो एक प्लस माइनस आके लग जाएगा, इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वन इक्वल टू 3/2, एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस 3/2, यहां से एक्स प्लस वन ये 3/2, ये वन उधर जाके बन गया 3/2 minus 1, आप निकाल लो भैया आंसर कितना आ गया, हाफ, डेढ़ डेढ़ में से एक निकलेगा आधा, और ये आपका -3/2 minus 1, डेढ़ में एक जोड़ेंगे तो ढाई, तो 5/2, बोलो बात समझ में आए। तो सिर्फ यही दो इसके सोल्यूशन होंगे। आप इस बार क्या किए हो, आप कुल मिला क्या सॉल्व किए हो, इस बार इक्वेशन सॉल्व किए हो, क्वाड्रेटिक की तरह इक्वेशन दिख रही थी, हमने क्वाड्रेटिक की तरह ही अपने को स्यूडो क्वाड्रेटिक जिसको बोलते हैं कई बार, या क्वाड्रेटिक ही है जिसमें हम वेरिएबल थोड़ा सा अलग बदल दिए और इसको हमने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया। इसमें एक जगह ऐसी जगह है जहां पे एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, ये तो एक सवाल हुआ। ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक सवाल होगा, ऐसे और भी सवाल मान लो हो सकते हैं, ऐसे और भी सवाल आपको बनाए जा सकते हैं कि जहां पे आपका ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दे दे। तो जैसे आओ अगले सवाल पे बात करते हैं, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जैसे कि जैसे मान लो थोड़ा सा और सवाल का मैं थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूं कि मान लो लिखा हुआ है 1 minus x और यहां लिखा है x square minus 2x plus 1 solve for x।
सॉल्व, आपको कह रहा है आस है, तो क्या करोगे? सबसे पहले देखो मैं आसान सवाल से ही स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा आप सीख जाओ। रिसर्च अभी भी नहीं करवा रहा हूं, बस मॉडुलस की चीजों को सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं, सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि ये 1 माइनस एक्स का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका कुछ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, देखते ही एक दिमाग में चमक आती है कि कहीं एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो नहीं है ना, मतलब इन दोनों को देख के ही चमक आती है। वो आगे वाला तो लकीली इस पर बना हुआ है, नहीं बुझे तो भी काम बन जाता। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स माइनस वन का ये होल स्क्वायर है, और मैंने कहा था कि होल स्क्वायर से बाहर आएगा, तो कैसे बाहर आएगा बच्चों? मॉडुलस के साथ बाहर आएगा। ये 1 माइनस एक्स इधर वाला हमेशा कैसा? पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, मतलब x लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब कि x बिलोंग टू 1 माइनस इनफाइनाइट से 1। बोलो बात समझ में आई गई? 1 पे क्लोज इंटरवल। ये तो आपका ऐसे ही आपको खूब सवाल मिलेंगे करने के लिए। अभी और सवालों पे आते हैं, बिल्कुल अभी घबराना नहीं है, और सवाल अभी हम करते हैं। जैसे एक और मैं आपको सवाल दूं कि जैसे मान लो कि लिखा हुआ है कि इसको ये लिखा हुआ है कि आपका मान लो कि लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को सॉल्व करो और या इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब इसको जितना छोटा से छोटा हो सके उसको लिखो x के टर्म में। किस x के लिए क्या होगा? तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दोनों देख लिया, मतलब यहाँ पे x प्लस वन के होने का होल स्क्वायर होने का पूरा चांस था और ये ही था। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका अंडर रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये बाहर आया तो ये मॉड एक्स प्लस वन हो गया, और ये बाहर आया तो मॉड एक्स माइनस वन हो गया। अब सर जी, अब इसको एक्सपेंड कैसे करें? समस्या हो गई कि नहीं? एक्सपेंड कैसे करें, कैसे हम इसको एक्सपेंड करके लिखे? अभी तक जिसमें था उसमें सिर्फ एक मॉडुलस चल रहा था, अभी तक जो भी चल रहा था उसमें सिर्फ एक मॉडुलस चल रहा था। अब वो जगह आ गई जहां पे हमने दो मॉडुलस लिया दिया। यहां पे थोड़ी सी सावधानी चाहिए हमको, यहां पे थोड़ी सी। अब मैं सवालों को मिक्स करूंगा, वह एक मॉडुलस वाला भी सवाल रहेगा, दो मॉडुलस वाला भी सवाल आएगा। तो अब मैं थोड़े सवालों को मिक्स करने चल रहा हूं, यहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और थोड़ा ध्यान से करना है। है तो वही, अभी भी अपनी अपने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी है चीजें वही, कॉन्सेप्ट वही है, चेंज नहीं होने वाला है कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा यहां से, क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करना है। हम कहेंगे ये वाला मॉडुलस को प्रॉब्लम कहां से होती है, कहां से ये निगेटिव पॉजिटिव होता है? तो ये वाला मॉडुलस जो भी निगेटिव पॉजिटिव होगा उसकी जगह हो सकती है एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसको बराबर जीरो कर दो। देखो मैं जो फंडा बता रहा हूं ना, इससे कभी आपकी गलती नहीं होगी। पहली बात, क्लास 11th में हो इसलिए गलती नहीं होगी। अगर यही 11th पार कर गए, 12th में आ गए, टारगेट में आ गए, तो आपको क्या हो जाएगा उस केस में? 12th या 13th में, जिसको 13th भी हम बोलते हैं, आ गए तो क्या हो जाएगा आपका उस केस में? आपको खुद ही इतना दो चार बार करने के बाद आज 11th में ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब कब हमको इसको कौन कौन सा इंटरवल लेना है। तो पहला सवाल है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको क्लियरली लिख रहा हूं कि कैसे हम चीजों को सोचते हैं। तो इसको हम अंदर वाले को जीरो किए तो एक एक्स इक्वल टू माइनस वन मिला, इसको भी हमने जीरो किया अंदर वाले को। अब कोई पूछेगा सर जी जीरो क्यों? क्यों? क्योंकि भाई आपका दिमाग है स्वतंत्र है पूछने के लिए। तो जीरो इसलिए करते क्योंकि पता चले कि अंदर वाला जीरो के राइट और जीरो के लेफ्ट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो हमें वो क्रिटिकल पॉइंट पर चल जाए। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रिटिकल बड़ा ही रियलिस्टिक वर्ड है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ या किसी को भी सुनते हो कि अरे फलाने की स्थिति बड़ा, मतलब केस बड़ा क्रिटिकल स्थिति है उनकी, उनकी कंडीशन बहुत खराब है, बहुत क्रिटिकल केस पे है। और क्रिटिकल केस का मतलब आईसीयू में है या क्रिटिकल केस पे ही है, तो इसका यह मतलब है कि वो ऐसी जगह पे है जहां से थोड़ा सा लुढ़के तो निपट गए, थोड़ा सा बचे तो जिंदा हो गए, मतलब वो केस कहलाएगा क्रिटिकल, जहां पे थोड़ा सा इधर या उधर में मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाता है। जहां पे आपका स्टेट नेचर चेंज हो जाता है वही क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। जैसे वाटर के लिए भी है क्रिटिकल पॉइंट 4 डिग्री या 100 डिग्री, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस। वैसे यहां भी
इसको क्रिटिकल पॉइंट इसलिए कहते हैं मॉडुलस के लिए क्योंकि इस जीरो के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो ये आप, मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट, वो ध्यान देना, हम बोलते रहेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया और यहां पे सीधे नंबर लाइन चूज कर लेना, नंबर लाइन चूज कर लेना, और आपका यहां पे कहीं माइनस वन हो जाएगा, यहां पे कहीं वन हो जाएगा। अब आपके पास तीन रीजन बन गए, एक वन से बड़ा माइनस वन से वन, और एक माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, मतलब एक माइनस वन से छोटा, माइनस वन से वन, वन से बड़ा, तीन रीजन बन गए। आप ये तीन रीजन यहां बना लो, क्योंकि देखो इसी को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तीन रीजन बना लो, क्या? एक एक्स की वैल्यू एक से बड़ी, देखो एक से बड़ी इधर का पूरा। दूसरा रीजन बना लो आप, एक एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, माइनस वन पे मैंने क्लोज लगाया हुआ है क्योंकि ग्रेटर देन वाले पे हम क्लोज लगाते हैं, हम हमारी मतलब आदत में है। तीसरा रीजन, एक्स की वैल्यू आपका एक से छोटी, माइनस वन से छोटी, सॉरी यहां पे माइनस वन से छोटी। ये तीन रीजन अपने पास आ गए। अब इसके बाद कैसे हम पता करेंगे कि सर जी ये इसमें वाले में ये कैसे खुलेगा, इस वाले में ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा? सुनना, एक सवाल पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। एक से बड़े पे ये कैसे मॉडुलस ओपन होंगे, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो एक तो तरीका है कि हम इनको, इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल के कॉमन इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला एक्स निकाल के हम ढूंढ ले, वो एक तरीका हो गया। दूसरा फंडा तरीका, फंडा ये है, इसका बेसिक फंडा ये, बच्चों क्या करेंगे कि एक से बड़ी कोई भी नंबर इसमें अंदर वाले में रखेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर आई अंदर वाले में तो एज इट इज बाहर आ गया। फिर से सुन लो, एक से बड़ी कोई भी नंबर रखेंगे, अपने मन चॉइस की कोई भी नंबर रखेंगे, और इसके अंदर वाला अगर पॉजिटिव आया तो एज इट इज बाहर निकलेगा, अंदर वाला निगेटिव आया तो माइनस के साथ बाहर निकलेगा। सुन लिए, फिर से एक बार सुन लो, एक से बड़ी कोई भी नंबर रखेंगे, अगर अंदर वाला पॉजिटिव आया तो एज इट इज बाहर निकलेगा, अंदर वाला निगेटिव आया तो एक माइनस के साथ बाहर निकलेगा। अब ये बात याद हो गई होगी, तो क्या करेंगे, एक से कोई भी बड़ी नंबर दो रखा, दो प्लस वन, अंदर वाला क्या हुआ पॉजिटिव, टू प्लस वन थ्री, थ्री पॉजिटिव होता है, थ्री आई पॉजिटिव आया तो ये खुल गया आपका एज इट इज एक्स प्लस वन। ये दो रखा था, यहां भी दो रखेंगे, दो टू माइनस वन, टू माइनस वन, ये देखो फिर से पॉजिटिव, तो माइनस ये ऐसे खुल गया एक्स माइनस वन। अब कहोगे कि सर जी ये माइनस आया हुआ है, तो बेटा वो माइनस ये वाला माइनस है, ये तो अपना प्लस ही में आया खुला है, ठीक है, तो ये ओपन हो गया। सेकेंड, इनसे इनके बीच में माइनस वन से वन के बीच में सबसे सस्ती नंबर बताओ जो देखते ही अपने रखने का मन कर देता है, तो आपका आ जाएगा जीरो। जीरो रखा इसमें तो प्लस वन आया, मतलब पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो ये एज इट इज खुल गया एक्स प्लस वन। इसमें जीरो रखा यहां पे तो जीरो माइनस वन निगेटिव आया, देखो ध्यान से, निगेटिव आया यहां पे, जब निगेटिव आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अंदर वाला जब खुलेगा तो एक माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस आप माइनस एक्स माइनस वन। देखो बेटा पहले से माइनस था और जब अपना एक माइनस लेके निकला है बाहर। अब माइनस वन से पीछे कोई सी एक नंबर रखो, लाइक मैंने माइनस टू रखा, माइनस टू भी एक सस्ती नंबर है, मैंने माइनस टू रखा, क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन निगेटिव आ गया, क्या बेटा देखो तो ये निगेटिव हो गया, ये भी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये भी निगेटिव हो गया, ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन निगेटिव आया, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री निगेटिव आया, तो हम यहां से दोनों को माइनस यानी निगेटिव एक माइनस दे के खोलेंगे आपका एक्स माइनस वन। बोलो बात समझ में आई? अब इसी चीज को एक बार और ठीक से लिख देंगे तो कैसे बन जाएगा, अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं क्योंकि ये आपके समझने के लिए थी, अब मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैंने हटा दिया। अब ये क्या बन गया, यहां से मॉड एक्स प्लस वन माइनस मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, यह बन गया ऊपर वाला एक्स से एक्स, देखो कट गया वन और माइनस माइनस प्लस वन, ऊपर में टू बन गया जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो गया, और यहां पे देखो ये वन और ये माइनस माइनस, इसको देखो मैं एक बार लिख भी देता हूं या आप समझ सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन से वन कट गया, एक्स और एक्स मिलके टू एक्स हो गया, जब माइनस वन से वन के बीच में हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस होते ही ये माइनस एक्स प्लस एक्स को काट दिया, ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ गया यहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू एक से माइनस एक्स से छोटी हो गई। अब ये फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो ध्यान देना कि मॉडुलस को खोल के कैसे करना है और खोलने के बाद जोड़ना कैसे है। इनको जोड़ने के लिए आपको वो हर क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां जहां पे मॉडुलस जीरो हो रहा होगा। ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ऐसे ही बनाएंगे। अब जैसे मान लो ये तो मैंने दे दिया है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब सिंप्लीफाई के अलावा आपके सामने मान लो कोई सवाल इस तरह से आ जाता है, पहले आप इसको फटाफट नोट कर ले, फिर मैं आपको सामने रखता हूं अगला सवाल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिखा मैंने कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है और आपको बताना है फाइंड x, सॉरी x लिखा हुआ है या 2x, हाँ ठीक है मैंने लिखा फाइंड x। अब इस बार आपकी वो जगह आ गई, अभी पीछे मैंने अभी तक क्या बता रहा था, देखो मैंने क्या कहा था कि अब सवाल मिक्स होंगे यहां से। अभी तक मैं एक्सपेंड करवाया था और अभी तक दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, एक तरफ मॉडुलस लिया था एक तरफ मॉडुलस नहीं लिया था, लेकिन दोनों तरफ नंबर सेम थी। इधर मैंने सवाल लिया आपका जहां पे दो अलग अलग मॉडुलस को मैंने एक्सपेंड करने का तरीका सिखाया। अब ये सवाल वहां है जहां पे एक तरफ मॉडुलस एक तरफ मॉडुलस नहीं है। ये सब चीज की प्रॉपर्टी होती है, ये हर एक चीज जितनी चीज हम कर रहे हैं ना, ये हर एक चीज की प्रॉपर्टी होती है। या तो मैं आपके सामने प्रॉपर्टी साला लिख दूं और प्रॉपर्टी रटवा दूं, वो उससे आपका सवाल बनेंगे नहीं। ईमानदारी से बताओ तो प्रॉपर्टी लिख के प्रॉपर्टी रटवा दो तो सवाल बनेंगे नहीं। आपको चाहिए वो चीज जिससे कि आपके सवाल बन जाए, साथ साथ प्रॉपर्टी भी याद हो जाए। तो इस केस में जब भी इस तरह के सवाल आएंगे कि एक तरफ मॉडुलस एक तरफ मॉडुलस नहीं है, एक तरफ मॉडुलस जो है कि आपका अलग अलग मॉडुलस है, मतलब इधर मॉडुलस अलग है इधर फंक्शन अलग है इधर की वैल्यू अलग है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इसको पहले आपको वही केस चेक करना चाहिए। केस कि अंदर वाला अगर पॉजिटिव हुआ तो, कहने का मतलब है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2 हुआ तो, या कहने का मतलब है कि x बिलोंग टू 3/2 से लेके इन्फिनिटी हुआ तो। ये केस वन। क्या पहला केस बनाया, अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो। अगर अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगा, ये इनसाइड वाला एज इट इज हो जाएगा x। x कॉमन हो, x इधर आके x बराबर आ गया 3, ये आपका आंसर हो गया। बट इस आंसर को चेक करना, कभी हमेशा चेक करना कि चेक आंसर मस्ट लाई इन द इंटरवल, इन दिस इंटरवल। आपको हमेशा चेक करना है कि जो आंसर जो भी आएगा उस इंटरवल में लाई करना चाहिए। आंसर क्या आया है 3, क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, डेढ़ से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, आपका वो आंसर कि हाँ सर लाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केस सेकेंड आ जाते हैं, अगर लाई नहीं करता तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट द आंसर। केस सेकेंड, आप कहेंगे कि अगर अंदर वाला निगेटिव होगा तो इसका मतलब x लेस देन 3/2 होगा तो x, इसका मतलब x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से 3/2 मतलब डेढ़ हो गया, तो अंदर वाला कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुल जाएगा। इस बार x और ये माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू x, और ये वाला x उधर जाके बन गया, इधर वाला देखो ये वाला 2 उधर जाके बन गया 3x, तो 3x तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1। क्या ये 1 इसमें लाइक कर रहा है, देखो तो 1 लाइज, तो इसलिए ये भी आपका आंसर हो गया। आंसर क्या है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। कैसे कब कब कम किया हमने, क्या किया है हम भूल गए, एक्चुअली हम भूल गए, हमको नहीं याद कि हमने क्या किया इसमें, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। क्या किया, एक तरफ मॉडुलस था एक तरफ मॉडुलस नहीं था, तो क्या क्या तरीका क्या है कि इंटरवल में तोड़ तोड़ के करना है, क्या करना है, इंटरवल में ब्रेक करके तोड़ करना है। ऐसे सवालों को इंटरवल में ब्रेक करो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, इंटरवल में ब्रेक करो, और इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो वो इंटरवल जहां पे पॉजिटिव और जहां पे नेगेटिव देंगे उस इंटरवल में ब्रेक करके अपन लोग इसका आंसर लगाएंगे। जैसे मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रखने जा रहा हूं कि अगला क्वेश्चन अगर हम रखते हैं तो इसके में कैसे हम इन चीजों को करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने लिखा कि आपका मॉड एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉल्व
आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना है, और x की वैल्यू फाइंड करना है तो फिर से वही देखो, एक तरफ मॉडुलस है, एक तरफ मॉडुलस नहीं है, एक तरफ आपका दोनों अलग अलग फंक्शन से अलग अलग क्वांटिटी है, तो हम इसमें कैसे क्या करेंगे, इसको इंटरवल में ब्रेक करेंगे, ब्रेक इन इंटरवल, इंटरवल में मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंटरवल में ब्रेक करो, यही वाला आपका है कॉन्सेप्ट, मैंने ब्रेक इनटू इंटरवल। अब कैसे इंटरवल में ब्रेक करेंगे, पहला केस क्या हो जाएगा, केस वन ये हो जाएगा कि भाई ये अंदर वाला पॉजिटिव कब, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब x बिलोंग टू जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो पे क्लोज। अच्छा केस वन में ये वाला अंदर वाला x निकलेगा, ये x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, क्या आया x स्क्वायर माइनस x माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, बाबा को याद करेंगे, क्योंकि फैक्टर नहीं मिल रहा है, बाबा को याद करेंगे, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगी ना बच्चों, अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब वन माइनस माइनस प्लस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो x के यहां से वैल्यू एक आई वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और या x की वैल्यू एक आई वन माइनस रूट फाइव बाई टू। अब मैंने क्या कहा कि चेक करना पड़ेगा कि जो आया है वो अपने इंटरवल में लाइक कर रहा है कि नहीं, जरा देखो तो ये कह रहा है कि जीरो से बड़ा, क्या ये जीरो से बड़ा नंबर है क्या, तो ये वाली तो सॉल्यूशन होगा, क्या इसके बारे में क्या ख्याल है, अरे वन तो आपका वन है, माइनस रूट फाइव का मतलब चार होता तो दो वैल्यू निकल के आती, पांच है तो पांच का मतलब आपका पांच का अंडर रूट टू पॉइंट समथिंग होगा, अगर 525 होता तो 2.25 हो जाता, तो आपका 5.25 होता तो 2.5 हो जाता, 2.3 के आसपास आएगा, 1 में से 2.3 मैं निकालूंगा माइनस करूंगा तो ये निगेटिव आ जाएगा क्या, और ये पूरा निगेटिव होने की वजह से ये डिस्कार्ड हो जाएगा सॉल्यूशन, ये नहीं रहेगा, ये इसके लिए सिर्फ यही आंसर रहेगा। पर क्या यही एक इंटरवल होगा, सिर्फ यही एक इंटरवल होगा या और भी इंटरवल होगा, तो अगला इंटरवल एक और होगा, क्या केस सेकेंड, कौन सा, x जब लेस देन जीरो हो, मतलब x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो हो, उस केस में क्या करेंगे, ये आपका x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वन, क्या ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर से बाबा को याद करो, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका ये हो गया अपॉन टू ए का टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू एक वैल्यू हो गया, और माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू दो दूसरा हो गया। इस बार कह रहा है कि जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, निगेटिव क्या ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है क्या, और पॉजिटिव होने से क्या ये डिस्कार्ड हो जाएगी क्या, ये इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, जबकि ये वाली जो x की वैल्यू है ये इस इंटरवल में लाई करेगी, लाई इन द इंटरवल, अगर ये इसमें लाई कर रही है तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर x इज इक्वल टू एक आंसर आया क्या, वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और एक x की वैल्यू आई माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई, तो बाकी जो दो आंसर थे वो क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। तो आपके ये दो सवाल मैंने करा दिया किसके ऊपर, कि जहां पे एक तरफ फंक्शन आपका क्वांटिटी दूसरी हो, एक तरफ दूसरा हो, और एक तरफ मॉडुलस लगाओ, लगभग मैं हर तरह के सवाल कराऊंगा और कुछ प्रॉपर्टी भी लिखाऊंगा। अब जरा अगले सवाल पे बात करते हैं, ये सवाल आप फटाफट नोट कर लो, तब तक मैं इधर आपका अगला सवाल लिखता हूं, आप फटाफट नोट कर लो तब तक मैं इधर अगला सवाल लिख रहा हूं। जैसे देखो अगला सवाल आपके सामने है, या मैं इधर ही आपका सवाल लिख रहा हूं, आप जरा देखो फटाफट, मैं इसको आपको लिखा है और फिर सवाल आता तक फटाफट नोट कर ले। मैंने सवाल लिखा, देखे यहां पे, जैसे सवाल लिखा है अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री माइनस टू अंडर रूट में x माइनस वन, ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देख ले सवाल को, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर आपका x प्लस एट माइनस सिक्स अंडर रूट x माइनस वन इक्वल टू वन, सॉल्व फाइंड x। देखो अचानक से मैंने ऐसा सवाल बनाया है जो अचानक से आपके दिमाग एकदम उड़ा देगा, एकदम होश खत्म कर देगा। अगर मैं यहीं पे एक एक करके सवाल बनाता, एक एक करके लिखता, दो अलग अलग सवाल लिखता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी,
पर मैंने पूरे एक ही सवाल में मिक्स कर दिया। इसलिए मिक्स किया ताकि आप एक को तो मैं बताऊंगा, दूसरे को आप खुद दिमाग लगाएंगे। पहली बात ध्यान रखना, जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आने लगे, मतलब एक अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ जाए, और दो मतलब मैक्सिमम दो के लिए ज्यादातर सुइटेबल होता है। एक अंडर रूट के अंदर एक अंडर रूट आ गया, या एक अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट एक और अंडर रूट आ गया, दो अंडर रूट आ गए, उस केस में याद रखना कि ऐसे केस में यानी अंडर रूट के अंदर समथिंग अंडर रूट समथिंग अंडर रूट या समथिंग समथिंग होता है यहाँ पे, तो ये इनसाइड वाला इनसाइड फंक्शन मस्ट बी तो लिखना थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होगा। इनसाइड फंक्शन मे बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपका दिमाग इधर दौड़ना चाहिए कि एक इनसाइड के अंदर अगर अंडर रूट आ गया है तो ये शायद परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये इसको मैं डब्बे में मन करता हूं भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है, ध्यान तो बस इतना ही रखना, मैथ में और कुछ थोड़ी ध्यान रखना होता है, छोटे छोटे टूल्स ध्यान रखने होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर ये हो सकता है, या ये भी चांस है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर मे बी चांस है, हमको श्योर नहीं है, हमको देखना पड़ेगा इसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आओ जरा देखते हैं, एक को तो हम ढूंढते हैं, एक को आप ढूंढना जरा। देखो ढूंढने का तरीका जरा देखो, ये पहला वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट में x माइनस वन। आपको याद होगा तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलता है वो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर ये चलता है, या आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलता है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर चलता है। कहने का मतलब है कि प्लस माइनस जो भी है वो सिर्फ यही डिसाइड करता है, ये वाला प्लस और माइनस डिसाइड करता है कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कौन वाला टू के साथ, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे टू के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, अगर टू आया है और लीनियर दो नंबर लीनियरली मल्टीप्लाई किए गए हैं। जरा यहां देखो, यहां पे एक टू है, ये माइनस था सॉरी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये वाला अगर a होगा तो b ढूंढना पड़ेगा, b कितना होगा, अगर ये होगा तो हमको a का स्क्वायर मिला होगा कहीं, और a का स्क्वायर का मतलब जरा देखो, तो मैं पहले वाले को ढूंढ रहा हूं अभी, बाद वाले को नहीं ढूंढ रहा हूं, बाद वाले को तो बाद में ढूंढा जाएगा। देखो तो a का मतलब, a का स्क्वायर का मतलब आपका ये x प्लस वन x माइनस वन हो जाएगा क्या, सिर्फ इसका स्क्वायर का मतलब अंडर रूट में x माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू ए, ये तो आ गया, b कितना होगा जरा बताओ, तो जरा बताओ तो b कितना होगा, b आपका क्या हो जाएगा, मैं टू के बजाय इसको फोर कर देता हूं बेटा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, मैं मजा नहीं आएगा तो इसको फोर कर देता हूं, यहां पे फोर कर देता हूं। जरा बताओ b कितना हो जाएगा, b आपका x माइनस वन, तो यहां पे तो x ऑलरेडी माइनस वन आ गया, तो यहां पे एक वन जोड़ो एक वन घटाओ, क्या जरा देखो तो ये प्लस फोर करो तो देखो कितना आ गया, देखो तो यहां जब देखो तो फिर से मैं दोबारा लिख रहा हूं इस चीज को, दोबारा लिख रहा हूं इस चीज को, ये आपका लिखा है x माइनस वन, यहां पे लिखा है माइनस फोर अंडर रूट x माइनस वन प्लस फोर, क्या देखो तो अभी भी ये यही बात लिखी है क्या, माइनस वन में से माइनस वन और फोर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस वन, अरे बात समझ में। तो यहां पे जो ये चीज है ये फोर, ये देखना मैंने इसको चेंज किया हूं, फोर किया हूं तो फोर हो गया। तो अब यहां पे एक चीज दिखने लगा होगा कि ये वाला जो फोर है ये फोर आपका टू इंटू टू बन जाए, मतलब क्या बन चुका है अपने पास, देखो दोबारा मैं लिख रहा हूं कि अब ये अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ऐसा आप देख के डर मत जाना कि सर जी ये दो दो बात क्या लिखी गई है, देखो ये एक्चुअल में सिर्फ एक्स माइनस वन लिखा गया है, देखो वही वाली बात आखिरी ये वाली बात, फिर माइनस टू इंटू आपका 2 इंटू अंडर रूट में x माइनस वन प्लस टू का स्क्वायर। अब जरा देखो तो ये फाइनली क्या अंडर रूट में x माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया क्या अंडर रूट के अंदर, देखो तो
देखो बच्चों, क्या ये x माइनस वन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बन गया। तो ये तो पहला वाला बन गया, क्या ऐसे ही आप दूसरे वाले को बना सकते हो क्या? सेकेंड वाला क्या है, x प्लस एट माइनस सिक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर इसका तो ए स्क्वायर होने वाला है, चलो यानी यहां पे कहीं x माइनस वन का, x माइनस वन आपका अंडर रूट के साथ होने वाला है इसका स्क्वायर, फिर ये 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, मतलब ये आपका और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। जरा देखो तो स्टिल क्या ये, अगर मैं इसको ठीक से लिख दूं तो लिखा है x माइनस वन माइनस टू इंटू थ्री इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस 9। जरा देखो तो अभी भी ये दोनों एक ही बात है क्या, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही बात है, मतलब फाइनली ये इसको हम ये लिख सकते हैं और ये बन गया आपका क्या, अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। बोलो देखो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने दोनों जो अलग अलग अंडर रूट थे उनको तो मैंने तोड़ लिया, क्या हो गया इनको तोड़ लिया। ये आपके क्लास इलेवेंथ के लेवल के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है आपके लिए, ये टारगेट वाले बच्चे हिलने लगते हैं इसमें, ये क्या सर इसमें ये दो 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 है। इसको परफेक्ट स्क्वायर की सोचने की कला आपके अंदर अभी से आनी चाहिए कि एक अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको जो भी पकड़ के रखना है वो इसको पकड़ के रखना है, ये बाद वाले को, इसको कि ये क्या लिखा है उसी का यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, बाकी तो ये तो जोड़ घटा के भाई एक्स माइनस वन प्लस नाइन को एक्स प्लस एट लिख सकता है वो। तो आपको दोनों मैंने लिख दिया, अब मैं आगे आपके सामने अब इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। मैं इधर वाले पार्ट को दोबारा मिटा देता हूं आगे। अब हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर तो सिखा दिया बनाना, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली ये क्या बन चुका है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स माइनस वन रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू रूट एक्स माइनस वन प्लस प्लस फोर, ये भी प्लस आपका ये हो चुका है x माइनस वन रूट का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री इंटू रूट एक्स माइनस वन प्लस नाइन इज इक्वल टू वन ये चीज आपकी चल रही है अभी तक आपका ये चीज चल रहा है, ये हो गया यहाँ पे वन। अब जरा देखें, ये आपका हो गया अंडर रूट के अंदर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कैसे बाहर निकलेगा, अब आपको दिखने लगा कि मॉडुलस तो यहां पे आके लगा, इसके पहले तो ये सवाल पता नहीं कहां से कहां का था, मॉडुलस का तो था ही नहीं। बताओ दो नंबर का सम क्या चाहिए अपने को भाई, दो चीजों का सम क्या चाहिए, प्लस वन चाहिए, क्या चाहिए प्लस वन। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये कट जहां कटना चाहिए और माइनस टू में प्लस थ्री जोड़ने पे आंसर आएगा, मतलब क्या कोई और चांस ही नहीं बन सकता है। तो आपका क्या ये वाली क्या, और देखो रटने की बात नहीं है इसमें, ये दोनों ऐसा हमको जोड़ना है कि ये दोनों की वैल्यू जुड़ के वन आ जाए, मतलब ये माइनस टू में प्लस थ्री जुड़ जाए तो वन आ जाए और ये दोनों क्या हो जाए कट जाए। तो क्या करें इसको कि ये तो ऐसे ही हो लेकिन यहां पे माइनस का प्लस चाहिए तो ये निगेटिव हो जाए, मतलब हम ऐसा विश कर रहे हैं काश कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, काश मतलब वो एक्स चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए। बात समझ में नहीं आई कि नहीं, मान लो मैंने कहा कि ऐसा हमने एक्स निकाल लिया, जैसे मान लो हमने एक्स की वैल्यू ले लिया, मान लो एक्स की वैल्यू ले लिया हमने पांच ले लिया, तो पांच में से एक निकाला कितना आ गया, पांच में से एक निकाला कितना आ गया चार का अंडर रूट टू, टू में से बाहर निकाला माइनस थ्री माइनस वन, तो ये माइनस का प्लस वन हो जाएगा और यहां पे चार लिया पांच लिया पांच में से एक निकलेगा, बोलो यहाँ प्लस वन आ चुका है ना, यहाँ पे से पांच में से निकलेगा चार का अंडर रूट टू टू माइनस टू जीरो, बोलो आंसर मैच कर गया, मतलब एक एक्स की वैल्यू पांच संभव है। ऐसे ही हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एक संभव है। तो मैंने कहा कि काश ये पॉजिटिव हो जाए और काश ये निगेटिव हो जाए, और मैथ्स में काश तो चलता नहीं है, काश अगर चलाना है तो उसको हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि वो काश क्या होगा, एस सी ओ एस वाला काश नहीं, काश।
तो ये हो जाएगा क्या कि ये वाला अंदर वाला पॉजिटिव कब होगा कि जब ये अंदर वाला एक्स माइनस वन माइनस टू पॉजिटिव हो जाए एंड अब एंड कर दो क्योंकि हमको वही एक्स चाहिए तो अंदर वाला एक्स माइनस वन माइनस थ्री आपका ये वाली चीज निगेटिव हो जाए। बात समझे बच्चों, मतलब यहां से आपका अंडर रूट के अंदर x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू और एंड का मतलब मैं बता चुका हूं इंटरसेक्शन होता है अंडर रूट x माइनस वन लेस देन थ्री, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायरिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायरिंग करो ये क्या हो जाएगा x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर स्क्वायर, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होता है तो स्क्वायरिंग कर दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लेके नंबर भी चेक कर सकते हैं। यहां से आया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखो क्या आया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बच्चों क्या आ गया ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव और यहां से आया x माइनस x लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन टेन, क्या आया x लेस देन टेन, तो x की वैल्यू टेन से छोटी जगह देखो। अब नंबर लाइन सिस्टम एंड का मतलब रहता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यहां कहीं पांच था कह रहा था कि पांच से बड़ा दौड़ना है इसको, अरे ये दौड़ेगा कहां से पांच से आगे तक। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन होता है इस जंतु, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन होता है, बहुत होते हैं पर हम हमारे हमारे लिए तो बढ़िया एकदम रॉयल जंतु जो होता है जानवर, एकदम घोड़े पे तगड़ुक 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 कर रहे हो घोड़ा, तो घोड़े पे तो मतलब ये घोड़ा है दौड़ रहा है, कहां दौड़ना है इसको पांच से आगे, इस घोड़ा को कहां दौड़ना है पांच से, गधा नहीं जी गधा मत लेना, गधा थोड़ी गधा कहां दौड़ता है, गधा तो बुजुर्ग होता है, स्मार्ट काम करना है गधा, बोझा नहीं ढोना है भार नहीं ढोना है स्मार्ट काम करना है, तो गधा मत बनो घोड़ा, घोड़ा घोड़ा रहता है कि बड़े लंबी रेस का घोड़ा है तो लंबी रेस का घोड़ा बनो, शेर नहीं, शेर तो मतलब शेर में तो बल होता है, बल भी नहीं चाहिए अपने को, बुद्धि चाहिए, बुद्धि तो घोड़े की तरह दौड़ होता है तुगड़ुक 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 दौड़ गया आगे, फिर x लेस देन 10 फिर ये आपका है 10 से छोटा तुगड़ुक 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 पीछे ये आपका आया, कहां से कहां तक डबल लाइन क्या हुआ इंटरसेक्शन क्या मिला, तो 5 पे क्लोज 10 पे ओपन 5 से लेके 10 तक, बोले बात समझ में आ गई। अगर 10 हो जाएगा तो क्या होगा, जरा एक बार 10 के लिए भी सोच ले कि 10 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर 10 हो भी गया तो 10 माइनस 1 कितना आया 10 माइनस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 में से 1 निकले 3 में से 2 निकलेगा 1 बचेगा, 10 माइनस 1 9, 9 में से 9 का अंडर रूट 3, 3 में से 3 निकलेगा 0, अभी भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, आप इसको भी इक्वल टू शामिल कर लो और यहां पे भी ये ले लो तो आपका 10 मतलब चेक कर लो क्या बुराई है चेक करने के बाद, इसके अलावा आप कोई से भी एक्स की वैल्यू लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा वैल्यू 1 नहीं आएगा, तो आपको समझ में आ गया एक्स की वैल्यू फाइंड करना, ये सवाल आपके लिए वो बेसिक तो नहीं कहलाएगा पर फिर भी मॉडुलस का अच्छा जानकारी दे जाता है, मॉडुलस की बहुत अच्छी जानकारी दे जाता है, कई चीजें इस सवाल में सीखे, एक तो अंडर रूट के अंदर रूट आएगा तो ये चांस होता है ज्यादातर मैक्सिमम चांस है इस बात का कि ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, सेकेंड पॉइंट कि अगर ये आपका सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो फिर इसको चेक करना कि लास्ट में वैल्यू क्या आई है, वन आई है तो उसके हिसाब से सेटिंग करना, कैसे सेटिंग की इधर की तरफ निगेटिव, देखो ये सब टूल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक यही एक यूनिवर्सल मेथड है, ये एक टूल है आपको देखने का तरीका है, अगर ये संभव होता कि हम इसको सॉल्व करके मॉडुलस को यहां पे सॉल्व कर पाते तो हम अलग अलग मॉडुलस का निकालते फिर ये आपका सेटिंग वाला सिस्टम नहीं लेके चलते, लेकिन हम जान रहे कि अंडर रूट के साथ हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बहुत लिमिटेड हाथ बंधा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है अंडर रूट के साथ, तो यहां पे हमको दिमाग दौड़ाना है सेटिंग का कि क्या यहां पे निगेटिव पॉजिटिव कब ये चीज आए कि ये दोनों सेटिंग, अच्छा सवाल देने वाला भी इस तरह का सेटिंग करके ही देता है वो, उसको ये मतलब नहीं है कि आप 3 घंटा इसी में लगे पड़े हैं और 3 घंटे बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं देता है, वो भी ऐसे देता है ताकि चीजों को आप अपने दिमाग के मैथ का जितना मर्जी उतना यूज करके अपने निकाल लें आंसर, फिर फाइनली ये करके आपने दोनों को निकाला इंटरसेक्शन निकाला तो वो वाली वैल्यू आ गई एक्स बराबर 5 से लेकर 10 तक जहां पे वो इसका सॉल्यूशन, मतलब इसमें जब भी 5 से 10 के बीच में कुछ भी रखूंगा आपका इसका आंसर दे जाएगा, आपका आंसर दे जाएगा एक्स, वो पूरे इक्वेशन का आंसर 1 हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों, आओ जरा सा आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे।